आइए जी, अंदर आइए, अंदर आइए। भाभी कैसी हैं आप? खैरियत से। हेलो असार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम जी, कैसे आप? आइए। स्पीचलेस। अब चले ना, मैं आ रही हूँ। वो चीची नहीं आया? नहीं। शा कैसी है शन्ना जी? ठीक। वो शन्ना जी काले कपड़ों वाली कौन? वही तो है दानिश की बहन मुमताज। अच्छा, यही दिन के 10 बच्चे हैं। पागल हो गए क्या? उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। सही कह रहे हो। वैसे ये बताओ कि क्या तुमने ऑस्ट्रेलिया में कारोबार बंद कर दिया? ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तो मम्मी की वजह से और मेरी तबीयत खराब थी, सर्जरी की वजह से मैं जा नहीं सका। अभी सीजन शुरू हो जाएगा, ईद भी आने वाली है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू हो जाएगी फिल्मों की। तो यार मुझे भी साथ ले जाओ यार, कुछ दिन मैं भी कुछ सुख की सांस ले लूं। या मुझे तो हर वक्त एक नए महाज का सामना करना पड़ता है, अभी अपने भाई की शादी के चक्कर में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? खैरियत? कैसी हैं? ठीक ठाक। कैसे हैं रिजवान? ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। बैठे बैठे जी। जान, वो काले कपड़ों में एक लड़की थी, वो कौन है? हाँ, वो दानिश की बहन मुमताज है। शादी हो गई? नहीं, मेरे ख्याल नहीं हुई। मिलवाएंगे मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मुमताज, मुमताज आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बेटे बैठो। कैसे हो मैडम? मैं ये रूहान की मम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटे? मैं रूहान का फादर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। और बड़ी टैलेंटेड बच्ची है ये, कमाल की फैशन डिजाइनर है। दैट्स ग्रेट, फिर तो हमारी मुश्किल आसान हो गई। मैं और दानिया शादी के कपड़ों के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। फॉर श्योर, फॉर श्योर, प्लीज आइएगा। अच्छा, अब तुम दोनों यहीं बैठे रहोगे, शादी की तारीख तुम दोनों तय करोगे? चलो दोनों हवा खा के आओ थोड़ी सी। ओह अच्छा।